गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो ये है वोल्टास बेको डिशवॉशर। सो अगर आपको अपने डिशवॉशर को डी स्केल करना है, क्लीन करना है, तो किस तरीके से क्लीन करती हूँ मैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि अगर क्या होता है। अगर जैसे कि आपको डिशवॉशर बहुत ज़्यादा गंदा है तो वो क्या होगा, बिल्कुल पानी फेंकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, डिशवॉशर से। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको डी स्केल कैसे करना है। दो तरीके से डी स्केल कर सकते हैं, या तो बेकिंग सोडा होता है उसके थ्रू कर सकते हो, तो मैं दिखा देती हूँ। एक तो इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वाइट विनेगर है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वाइट विनेगर के थ्रू करके दिखाती हूँ किस तरीके से क्लीन करती हूँ। डी स्केल होगा ये पूरा का पूरा, फटाफट दिखाते हैं प्रोसेस। सो जो मैं डी स्केल के लिए ले रही हूँ वो ले रही हूँ ये निलॉन्स विनेगर, वाइट विनेगर है। तो आपको वाइट विनेगर लेना है, कोई भी कंपनी का लेना है, ज़रूरी नहीं कि सेम कंपनी का लेना है या फूड वाला लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये रहा, आपने वाइट विनेगर ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो जितने भी एरियाज हैं आपको यहाँ पे अच्छे से वाइट विनेगर डाल देना है, ये रहा इस तरीके से। और मेक श्योर कि आप इसके अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा भर जाता है। इस तरीके से आप वाइट विनेगर डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो सबसे इसका हाइएस्ट वॉशिंग साइकिल है आपको वो लगाना है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने डाल दिया है। और अब आपको क्या करना है, इसको वॉश के लिए लगा देना है। तो ये रहा, अब मैं क्या करूँ, जो उसका सबसे हाईएस्ट साइकिल है वो है आई थिंक 3 आवर्स 5 मिनट का है, तो मैं ये वाला साइकिल लगा दूंगी और इसके बाद इसको छोड़ दूंगी डी स्केल होने के लिए। बिकॉज़ क्या है कि अगर जब भी गंदा होता है ना, तो ये क्या होता है बिल्कुल, और जो उसका बाहर के पार्ट्स, अगर आपको उसको साफ़ करना है वाइट विनेगर से और ब्रश से लेके, आप इसको ईजिली साफ़ कर सकते हैं। सो पहले सबसे अंदर का वॉश हो जाए अच्छे से, फिर मैं आपको बाहर का भी अच्छे से वॉश करके दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं अभी गंदगी है बिकॉज मैंने छोड़ रखी है, बिकॉज अगर साफ़ चीज़ों में साफ़ करके दिखाएंगे तो लोग कहते हैं कि आपने फेक वीडियो बनाया, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी देख सकते हैं गंदा गंदा छुड़ा हुआ है कि एटलीस्ट मैं दिखा सकूँ, वीडियो बना सकूँ, तो इसलिए इतना है। सो या तो वाइट वाइप से भी इसे क्लीन कर सकते हैं, या तो वाइट विनेगर से भी कर सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है पूरा का पूरा डी स्केल, या फिर डीपली क्लीन कह सकते हैं वो हो रहा है। सो ये रहा, 3 आवर्स के बाद मिलेंगे फिर। सो इस तरीके से बंद हो जाएगा और आपको एकदम क्लीन ये होगा पूरा का पूरा, जिसमें क्या होगा ना कि बिल्कुल भी अब जो भी आपको गंदगी लगेगी आप उसको विनेगर से साफ़ कर सकते हैं, आपका मन है जिसे भी साफ़ करना है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाइट विनेगर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ब्रश को डिप करना है ऐसे, और आपको जो भी एडजस्ट लग रहे हैं जैसे कि ये गंदा है इस तरीके से, इस तरीके से आपको जो भी लग रहा है देख सकते हैं, जो भी गंदगी होगी काफी इजीली साफ कर देगा। आपको जहाँ भी गंदगी लग रही होगी जैसे कि ये थोड़े से सारे दाग जो भी गंदगी के सारे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो आपको जो भी जहाँ भी लग रहा है आप वाइट विनेगर से करेंगे तो ये काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये इसको आप डेली तो साफ कर नहीं सकते, तो आपको इस तरीके से ही साफ करना होगा। हाँ आई क्लीन, बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो भी आपको गंदगी लग रही होगी आप किसी भी जगह लगा देंगे काफ़ी इजिली साफ हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, उसको उस जगह को आपको ये रहा इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लेना है, ये रहा।
क्लीन। और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक देख सकते हैं पूरी गंदगी निकल गई है। तो जो भी बचा कुछ आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। और जो भी बाहर का है ये भी जो गंदगी ज़्यादा वैसी हो गई है, तो आप देख सकते हैं वाइट विनेगर से आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से भी साफ कर रहे हैं। बिकॉज कुछ दाग है जो कि निकलते ही नहीं, तो इस तरीके से फटाफट क्लीन कर देते, फिर दिखाती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी हद तक क्लीन हो गया, इस तरीके से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और जो दाग बिल्कुल ही साफ नहीं हो पा रहे, तो वो किसी भी चीज़ से साफ नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये रहा, दिस इज हाउ आई क्लीन। फिर आपको टिश्यू पेपर लेना है और उसे आपको ये इस तरीके से और बेकिंग सोडा का तो आप अंदर से कर ही सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। और ये जो है ये इतनी पता नहीं किस चीज़ का दाग है, ये हट नहीं रहा है। और जब वाइट विनेगर से नहीं हट पा रहा, तो ये किसी से भी नहीं हटेगा। सो इट्स ओके। दिस इज हाउ आई क्लीन माई वॉल्टास पेपर। आई रियली होप यू हैव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।